सामने आप लोग से आग्रह है, विनती है कि उखार फेंकिए। इनके सरकार में कर रहे थे अच्छे दिन आए, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं, महंगाई बढ़ गई है। इसलिए अपने सभी भाइयों, अमीर दुनिया दिन बेलदार समाज या पिछड़ा समाज, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ये हक जीतेगा तो लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव इसलिए जीतेगा कि वो पिछले बार उसके उम्मीद रखे थे लेकिन उम्मीद तोड़ दिया था, लेकिन इस बार जीतेगा वो। और बेरोजगार तो रोजगार में चेंज भी करेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए। नीतीश कुमार बोले बहुत विकास किए, किस क्षेत्र में विकास किए? वो बोले आप नल जल योजना ये सब जोड़ा दिए, रोजगार कितने को रोजगार दिए? अभी भी सब बेरोजगार बैठे हुए हैं लड़के लोग। अभी टेटिया बम्बर में आए उसमें भी बेरोजगार लड़के लोग, उस पर आवाज उठाए तो बोले कि बोलने दो उसको, जो कर रहा है करने दो। तो इस तरह से बिहार सरकार हो करके भी इस तरह से बात करते हैं, तो क्या उम्मीद उससे रखे? यहाँ आज क्यों आए? यहाँ आए जनसैलाब है, लालू यादव का समर्थन में आए हुए, समर्थन में एकदम। वोट किसको देंगे? वोट देंगे जनता जनार्दन, आप देखिए अनुमान लगाइए कि किसको वोट देने के लिए जनता आया। भीड़ तो पहले भी होता था, वो भीड़ और इस भीड़ में काफी अंतर आपको देखने के लिए मिलता होगा, समझे ना? ये बदलाव की बात है। ये आप तो पिछले बार भी थी तेजस्वी यादव के भी सभा में, आपकी आवाज हम नहीं सुन सके। आप क्या बोले नहीं सुन सके? भीड़ तो पहले भी थी तेजस्वी यादव की सभा में, भीड़ होती थी लेकिन जीते तो नहीं। वो चोरी से सरकार बना लिया, नहीं वो छे के दरवाजा से सरकार बना लिया अंचल नीतीश कुमार ने। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार लालटे नहीं जी, इस बार भी तो सरकार में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है लेकिन चोर ने है, चोरी करके वो सरकार बना है, कैसे सरकार बन गया वो? ये 12 वोट से कभी 100 वोट से जीता, फिर 12 वोट से 500 वोट से जीत गया। बचपा वाला विजय पनियारा जी ये जीतेगा, अभी जीतेगा यही अरुण कुमार का लालटेन छाप। कौन जीतेगा छाप आ गया, ये कौन जीतेगा? कौन जीतेगा छाप? लालू यादव यादव जीतेंगे, बोलते हैं लालू यादव बाहर अपना स्थान ले, सुरक्षा घेरा है ये तो बाहर उसको खाली कर दे। इस तरीके से यहाँ तब तमाम लोग मौजूद हैं, आप सब साथी क्या लगता है कौन जीतेगा? खाली कीजिए, ये जीतता है लालटेन छाप। लालटेन छाप लालू जी, हाँ का है बेमानी राज है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, सुशासन राज है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। हाँ सुशासन राज है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हम तेजस्वी यादव चाहिए। चरण सीमा पे पहुंच गया है, युवा बेरोजगार हो गया है, गरीब शोषित वंचित जितने भी लोग है तराई तराई हो रहा है। इस सरकार में पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है, इसलिए युवा का रोजगार चला गया है। 19 लाख नौकरी जो देने का दावा किया था उसका उसको भी रोजगार दोगो को भी नहीं मिला। अब की बार आप यहाँ क्यों आए? हम लोग आए हैं इन लोगों को मतलब देखने के लिए, अपना सभी को सपोर्ट करने के लिए कि नहीं हमारे गरीब का नेता आ रहे हैं, इनको सपोर्ट करना है भारी बहुमत से। हमारे गरीब का नेता जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, वो गरीब शोषित वंचित का नेता है, वो मान सम्मान दिलाने का लड़ाई हमेशा लड़ा है। इसलिए हम लोग उनको अपना स्वभाव से अपना देखने के लिए और अरुण जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए हम लोग यहाँ आए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा है लालू यादव को देखने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम लोग पहुँचे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लालू यादव अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद बिहार और देश तमाम के लोग जो इनको सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उन लोगों से जानकारी भी हम ले रहे हैं कि जब लालू यादव लालू प्रसाद जी को सुनने के लिए आ रहे हैं उत्साह है। मैं सिर्फ एक दो बात करके कौन यह हारेगा।